आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनारटोली चौक शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनारटोली चौक शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। सिवान में सारण के डीआईजी मन्नू महाराज दो दिनों से यहाँ पे दौरा पे हैं और आपको बताते चले कि कई थानों का इन्होंने निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिला के कलेक्ट्रेट में कल तमाम थानाध्यक्षों के साथ बैठक भी की और उसके बाद से शाम में मैरवा या गुठनी कई जगहों पर जाकर निरीक्षण किए और उनसे मिलने के लिए तमाम लोग भी पहुँच रहे हैं। मैरवा थाना इलाके के इमलौली गाँव में एक युवक की हत्या हुई थी अप्रैल महीने में, उसके बाद से पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के उनका पूरा परिवार, जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम विशाल था और उनका पूरा परिवार आज डीआईजी मन्नू महाराज से मिलने के लिए पुलिस लाइन में पहुंचा। विशाल सिंह जिनकी हत्या कर दी गई थी उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विशाल का परिवार डीआईजी मन्नू महाराज से मिलने के लिए पहुँचा हुआ था और डीआईजी से मिल करके बाहर निकले हुए हैं। क्या कुछ बातें हुई, पूरा मामला आपका क्या है पहले ये आप बताइए। जी सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है, विशाल कुमार शर्मा के छोटे भाई हैं। सर सर हमारा भाई का मर्डर 27/4/2020 को कर दिया गया सर। अभी तक उसमें से सर हमारे दिए गए आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। जो धनंजय सहनी गिरफ्तार हुआ है उसी का आवेदन पे कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें से भी सर अभी दो गिरफ्तार हुए हैं और सब खुलेआम घूम रहे हैं सर, बहुत तरह के धमकियाँ दे रहे हैं सर, हमको भी मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो आप लोग थाना अध्यक्ष से वहाँ पर जाकर के मिले हैं, मैरवा थाना का मामला है। जी सर, थाना पे जाते हैं तो सर थानेदार वहाँ के बड़े बाबू हैं विनोद सिंह सर, वो भगा देते हैं थाने पे सर, बहुत मतलब कोई आवेदन नहीं लेते हैं सर। अच्छा, तो आज आप लोग मन्नू महाराज जी से मिले हैं तो क्या मन्नू महाराज जी ने क्या कुछ कहा? जी सर, उन्होंने कहा कि पुलिस थोड़ा टाइम दीजिए और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है आपको डीआईजी साहब से? जी सर, डीआईजी साहब से शाम से कुछ हमको उम्मीद है। आप बताइए, आप उनकी माँ हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी विशाल की, आज डीआईजी साहब से आप लोग मिले हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा? वही तो कहा था नी जे ठीक बा, थोड़ा टाइम दे लो हमनी के काम करें सर, यह तो बात कहनी है तो सर तो ना कहनी है। अच्छा, कितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं? दो लोग भैल बा जी। हाँ, ओकरा बयान पर दो आदमी भैल बा। अच्छा। बाकी सब घूमत रहसन, धमकी देते रहसन लड़का सन के मारे खातिर। अभी भी छोट लड़का के बा, एगो छोट लड़का, ओकरो को धमकी देते रहसन, घेरत रहसन मारे खातिर, जो अकेले में तरह के देख लेव के घेरता, रुदल सहनी घेरता रहन, छोटू सहनी घेरता रहन। हाँ, तो आखिर क्यों घेर रहा है लोग? जे तू हूँ कुछ बोलबा, कुछ कहबा तो तोरों के मारे, तारा भाई के जगह मुँहनी तोर वहीं तोरों के मारे। हत्या बताइए, बताइए, छोड़िए आप बताइए। हमारा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है, मैरवा थाना पंचायत कबीरपुर निवासी इमलौली गांव का मैं रहने वाला हूँ। 27 अप्रैल 2020 को विशाल, हमारे बड़े बेटे विशाल कुमार शर्मा का हत्या। कैसे हत्या की कर दी गई थी उनकी? हाँ, हमारे गांव में ही मलाह लोग रहते हैं और मलाह में से उनका एक थोड़ा दोस्ती टाइप का आदमी था और शाम के समय जो है हमारे लड़के को बुला के ले गया और ये लोग आपस में सेटिंग किए थे और हमारे लड़के को बुला के ले जाके पूरा ये लोग घर भर के लोग मिल के और उसका एक पटीदार है छठू साहनी मिल करके और ये लोग 7 से 8 आदमी मिल के हमारे विशाल कुमार का हत्या करके। कैसे हत्या कर दिए, किस चीज़ से मारे थे या कैसे? हाँ, ये टांगी से वार किया गया था, राइट साइड में गर्दन पर और लेफ्ट साइड में कान के पीछे वो लगभग पूरा ये लोग काट दिए थे हमारे लड़के को और उसका वीडियो भी हमारे पास है। तो आज आप लोग मन्नू महाराज से मिले हैं, पूरा परिवार, आप, आपके पुत्र, आपकी पत्नी, क्या वो बोले हैं, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने? हाँ, मैं बहुत ही उम्मीद लेकर के मन्नू महाराज आईजी डीआईजी साहब के पास मैं सिवान में आया हूँ आज और उनसे उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि जो उसमें से 2-3 आदमी उसके धनंजय सहनी के बयान पर पकड़े गए हैं और 3 से 4 आदमी तक खुलेआम जो अनुसंधान क्रम में चल रहे हैं, घर पे रह रहे हैं और घूम रहे हैं और गांव जवार में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं
और सामने पड़ने पर मतलब कि धमकियां भी हम लोग को देते हैं, और एक ऐसा भी सुना जा रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं घर में घुस के मारेंगे अगर अगर ये लोग अपना बयान नहीं लिया। और थाना से आप लोग जा रहे हैं मदद के लिए वहाँ पे? जी, हमने थाना पर कई बार गया तो कई बार तो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया गया, बुरा जो है सलूक किया गया। जैसे मानिए कि कोई हम एप्लीकेशन आवेदन लेके जा रहे हैं तो अनदेखा किया जा रहा है, और उसका हम दे रहे हैं तो हमको रिसीव भी नहीं मिल रहा है, तो ताकि कैसे हमको मालूम चलेगा कि हम अपने थाना में जो है एक एप्लीकेशन दे के आए हैं तो रिसीव पेपर नहीं मिल रहा है और कचरे के डब्बे में जा रहा है कि उस पर सुनवाई किया जा रहा है। तो हमने इतना अभी तक कई बार दिया और उसका कोई भी अभी भी आप लोगों को डर बना हुआ है सामने? अभी भी डर बना हुआ है? अभी हम लोग काफ़ी डर बना हुआ है, क्योंकि वो लोग जो है मतलब कि बदमाश टाइप के वो लोग सभी लोग हैं और असामाजिक तत्व को लोग देखती हैं। डीआईजी साहब क्या बोले हैं मन्नू महाराज जी से जवाब? हाँ, डीआईजी साहब से मिला मैं, अपना बात रखा शॉर्टकट में, और बोले कि ठीक है थोड़ा आप लोग पुलिस को समय दीजिए। हत्या के समय हमारे बेटे के पास एक सैमसंग मोबाइल था 4G का, और वो लोग हत्या करके ले लिया। अभी तक पुलिस संज्ञान में जो है मतलब कि मोबाइल का भी नाम नहीं ले रही है, और टाल मटोल कर करके ये लोग कुछ ऐसा उल्टा सीधा। उसमें कितने लोगों का नाम आया था? उसमें नाम 6 आदमी का तो मैं प्रत्येक गिरफ्तार हुआ है उसमें। हाँ, उसमें से 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं जो हमारे लड़कियों को बुला के ले गया। पहला वो गिरफ्तार हो गया धनंजय साहनी, उसके बयान पर षड्यंत्रकारी में अमीर साहनी जो उसके। कितने लोग अभी फरार चल रहे हैं उसमें? 4 आदमी फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। गिरफ्तारी तो वो मतलब कि घूम रहे हैं खुलियाम या फिर कहीं वो गायब है भूमिगत? हाँ, एक अमीर साहनी नाम का जो है उसका मतलब कि अविलंब गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, लेकिन वो अपने बाप के पास बहराइच मिल में जाके छुपा हुआ है, उसका बाप वहीं पर रहता है। और अनुसंधान क्रम में ये लोग 3 आदमी हैं, छट्टू साहनी, रुदल साहनी, सुजीत साहनी, जो कि खुलियाम घर पर और रह रहे हैं और खुलियाम घूम। अब आपको उम्मीद है कि डीआईजी साहब से मिलने के बाद से गिरफ्तारी होगी? हाँ, उम्मीद तो जगी हुई है, लेकिन ऐसा उम्मीद क्योंकि मैं भरोसा कर रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा मनु साहब हमारे अच्छे अफसर लगते हैं। और तो आपने बिल्कुल देखा यहाँ पे कि मैरवा का मामला है, इमलोली गांव में विशाल की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अभी तक कुछ उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं वो हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ से भगा दिया जाता है, और इसी को लेकर के डीआईजी मन्नू महाराज से ये लोग मिले हुए हैं, इन्हें आश्वासन भी मिला है। लेकिन देखना यह होगा कि मन्नू महाराज से मिलने के बाद से क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, सेकंड फ्लोर विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबेजी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में, नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदें। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस,
नए टेवर नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर जेपी बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।